अयोध्या के निर्माणधीन राम मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार देश के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के 4000 से ज्यादा धर्म गुरुओं को निमंत्रण भेजे जाने के साथ समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 जनवरी के लिए लगभग 4000 संतों को निमंत्रित किया गया है कि भारत की सभी परंपराओं के संत आए, प्रत्येक राज्य के संत आए और धीरे धीरे राज्य में हर कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पद्मश्री सम्मान पाने वालों सहित कई क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। लेखक, साहित्यकार, रंगमंच के लोग, फिल्म जगत के लोग, कवि, इनके नाम चुने गए हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी कुछ नामों का चयन किया गया है जिनका शरीर राम जन्मभूमि के लिए चला गया, उनके परिवारों के नाम लिखे गए हैं, उनको सूचनाएं दी गई हैं। ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर में 48 दिनों तक विशेष पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के पश्चात अर्थात 23 जनवरी से 48 दिन की पूजा और होगी। 48 दिन की इस पूजा को मंडल पूजा कहा गया है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे भारत से अलग अलग समूहों के लोगों को एक साथ लाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन गणमान्य लोगों में शामिल हैं जिन्हें समारोह में आमंत्रित किया गया है।